करप्ट हुक्मरान, बदतरीन निज़ाम, पानी, बिजली, गैस की बंदिश और बिलों के इजाफी चार्जेस के खिलाफ कराची प्रेस क्लब में इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन जनाब कैस मंसूर साहब की जानिब से अवामी एहतजाज किया गया, जिस बहुत से ताजिर बरादरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात अवाम की बड़ी तादाद ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। औरंगी टाउन सुरजानी यूसुफ गोट कराची के बहुत से इलाकों से लोगों ने इंसान दोस्त पार्टी के एहतजाज में शामिल हुए। सबका एक ही मुतालबा था, पानी बिजली गैस दो, अवाम को जीने दो। इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन कैसे मंसूर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इदारों में बैठे हुए करप्ट लोगों को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए, निज़ाम को सही तरीके से चलाने के लिए अच्छे लोगों को दायरे पर लाकर बिठाया। अच्छे लोगों का इदारों में बैठना मुल्क और कौम के लिए फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों के दिलों में रहम डाल दे। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी मीडिया पर सेनेट से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची की आवाम बेरोजगारी महंगाई की चक्की में पिस रही है, ऊपर से इन तीन इदारों के करप्ट निज़ामों ने गरीब आवाम को जीते जी मार दिया। ऐसी बेहिस हुक्मरानों को गरीब आवाम की कोई फिक्र नहीं, किसी के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, कौन खुदकुशी कर कर के अपनी जाने दे रहा है, आवाम किससे सवाल करे। जिस तरह आज आवाम अपने हक के लिए बाहर आई है, उसी तरह मुल्क और गरीब आवाम को खुशहाल बनाने के लिए करप्ट निज़ाम को ख़त्म करने के लिए आवाम को जागना होगा, आवाम को अपने घरों से बाहर निकलना होगा।